सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की दी हुई रोजी, रोटी, मुर्गा, चिकन, मटन, कोरमा, बिरयानी, पुलाव ठूस ठूस का खाने वालों और अपनी तोंद पर हाथ फेर करके डकारे लेने वालों, अल्लाह की रोजी तीन तीन बार खाते हो और खुदा की इबादत करने के लिए तुम्हें शर्म आती है? अल्लाह फरमाता कद अफलहा मन तज़क्का, यकीनन कामयाबी उसने पाई जिसने अपना दिल साफ किया। अच्छा, दिल कैसे साफ किया जाता है? साबुन से, लिक्विड से, सरफ से, आला से? जी नहीं। ब्रश रगड़ करके दिल साफ किया जाता है? जी नहीं। कपड़ा गंदा हो जाए तो कपड़ा साफ करने के लिए चीजें हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जब दिल गंदा हो जाए तो उसको साफ करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, दिल के तज़किया के लिए खुदा से डर के शर्मिंदगी का आंसू गिरा लेने से दिल की कुदूरत साफ होती है। दिल साफ कीजिए पहले। और ये जितनी नफरतें हैं ना लोगों के बीच में, जो खाइयां हैं, खंदकें हैं, एक दूसरे के ताल्लुक से आदमी के दिन में दिमाग में नफरत पाई जाती है, सिर्फ इस बुनियाद पर है कि आदमी का दिल साफ नहीं है। दिल क्या है? गोश्त का एक टुकड़ा जो गालिबन 100 ग्राम का होगा, हर शख्स के बाएं पहलू में पसलियों के नीचे उल्टा लटका हुआ है। आका फरमाते हैं ये पूरी बॉडी का मॉनिटर है, अगर ये दिल सही है तो पूरी बॉडी सही है, और दिल गड़बड़ हो गया तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती। आका फरमाते अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ, दिल संभाल के रखना, दिल बचा के रखना। बिल्डिंगों की आराइश के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए हम हर साल अपने बिल्डिंग की पुताई करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, खूबसूरत दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे। ए लोगों, अगर घर में कचरा पाया जाता कमरों के अंदर, तो तुमने बिल्डिंग की सफाई पुताई कलर कर लिया है तो ये लोकेशन तो ठीक दिखता है, मगर गंदगी अंदर पाई जा रही है अंदर। ऐसे ही ये खूबसूरत जुब्बा, शानदार लिबास, बेहतरीन कुर्ता, खूबसूरत बुशर्ट, ये लोकेशन तुम्हारा जो ऊपर का है ना, जो बड़ी क्रीम पाउडर सफेद सफेद और जाने क्या क्या लीप पोत करके लोकेशन दिखाते हो, ओ लोगों, दिल में गंदगी, बुराइयों की, नफरतों की, बदकारी की, बेहयाई की, बेगैरती की, बेशर्मी की, जब दिल में कुदूरत पाई जाती है तो इस बाहर की बिल्डिंग को कलर करने से क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होने वाला है? भले ही जुब्बा साफ दिखता है, टोपी अच्छी दिखती है, चेहरा खूबसूरत दिखता है, दिल अगर हमारा ठीक नहीं है, गंदगी उसमें मौजूद है, तो फिर दुनिया तुम्हें अच्छा तो कह सकती है, अल्लाह के नजदीक तुम अच्छे नहीं हो। इसलिए रब ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाबी उसे मिली जिसने दिल साफ किया। जिन्होंने दिल साफ किए हैं ना, सदियां गुजर गई कब्रों में गए हुए, दुनिया उनके कदमों में जा करके अपने कशकोले गदाई लेके भीख मांगती है। 825 साल का जमाना गुजर रहा है हिंदुस्तान के उस बेताज बादशाह की, कलंदरे जमाना को अपनी कब्र में गए हुए, जिसे दुनिया मोइनुल मिल्लति व दीन कहती है, जो हिंदुस्तान का असली राजा कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। उसकी चौखट पर देश के हर बाशिंदे की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मंत्री हो कि संतरी हो, या प्रधानमंत्री हो या सदर जमहूरिया हो, बड़ी ही आजिजी के साथ उसकी चादर पेश करने के लिए लोग लेके आते हैं। ये सदर की चादर है, ये प्रधानमंत्री की चादर है,
ख्वाजा असली बादशाह तू है इस मुल्क का, तेरे कदमों में ये अकीदत की चादर नजर है, आबरू बचाए रखियो। ये दुनिया जानती है। तो जिन्होंने दिल साफ किए थे खुदा ने उनके जलवे ऐसे बनाए ऐसे बनाए। इंतकाल के 800 साल गुजरने के बाद भी उनके अकीदतों का चराग दुनिया के लोगों के दिलों में आज भी जल रहा है। दिल साफ कीजिए लोग। आगे अल्लाह फरमाता वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। दिल साफ करने के बाद सेकंड नंबर की जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है? रब के नाम की माला जपते रहिए। वज़कर अस्मा रब्बी, ए लोगो अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, जिक्र मौला करते रहो। और जिक्र मौला क्या है? अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अल्लाह फरमाता इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। हाँ हाँ बेशक अल्लाह मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा ए बंदो तुम मेरी इबादत करो और मुझे याद करो। मुझे याद करने का तरीका यह है कि नमाज कायम करो। सुभान अल्लाह। तो पहला काम क्या बताया गया? दिल साफ करो। दूसरा काम बताया गया अल्लाह के नाम की माला जपते रहो, अल्लाह 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 करते रहो। और क्या करना है? वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और नमाज कायम करो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने तीन बातों का हुक्म दिया है, दिल साफ करने का, जिक्र खुदा करने का और नमाजें कायम करने का। हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए अपने बारे में गौर करे, क्या मेरा दिल साफ है, क्या हम अल्लाह के नाम की माला जपते हैं, क्या हमने नमाजें कायम की हुई हैं। आप साल दर साल नहीं, रोजाना रोजाना नहीं, हर दिन में 5 मरतबा जलसे करते रहो। अगर आपने अपने दिल साफ नहीं किए हैं, अगर आपने खुदा के नाम की तकबीर न पुकारी, अपने रब को याद न किया और आपने नमाजें नहीं कायम करी हैं, तो फिर ऐसे जलसे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। समझ रहे हो? जलसों के करने का मकसद ये होता है जिसे सुनिए उसे दिल में जगा दीजिए, और दिल में जगा देने के बाद अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे अब पढ़ना शुरू कर दो, अब तक झूठ बोलते थे झूठ बोलना बंद कर दो, अब तक गुनाह करते थे गुनाह करना बंद कर दो, तब तो जलसा करने का मकसद समझ में आता है। और अगर हमने जैसे कल थे हम वैसे आने वाले कल में भी रहे तो ठीक है, उड़ते रहिए बैठते रहिए जय जयकार करते रहिए। हम जैसे 50 मौलाना आएंगे, शायर बहुत सारे आएंगे और आपके नजराने लेके जाएंगे, खाएंगे आपकी और वाह 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 सुभान अल्लाह करके चले जाएंगे। मगर इतने कूटे जाओगे ना मुरादपुर के लोग, इतने कूटे जाओगे ना शक्लें पहचानने में नहीं आएंगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बुरी मार मारे जाओ। तुमने सिर्फ जन्नत का तस्वुर सुना उलमा से ना कि जन्नत ऐसी है जन्नत वैसी है, हूर के साथ शादी होगी, गिलमान खिदमत करेंगे और एक बार सुभान अल्लाह कहो तो 10 पेड़ लगते हैं जन्नत में लगते हैं। मगर अपनी जमीन में लगाओ, जमीन खरीदी नहीं है, प्लॉट लिया नहीं है, नर्सरी से पेड़ लेके आ गए, कहां लगाओगे? पहले जन्नत में जमीन तो खरीद लो भाई साहब। हाँ अल्लाह। और सुनो, जब काबा बनाने के लिए दोनों पैगंबरों ने पत्थर इकट्ठे किए, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो जितने पत्थर लगभग 5 पहाड़ों का पत्थर इकट्ठा किया गया था, जितने पत्थर काम में आने थे वो काम में आए, पत्थर बहुत सारा बच गया,
तो अल्लाह के हुक्म से एक आंधी आई और वो पत्थर उड़ा के ले गई दुनिया भर में। जहां छोटा पत्थर गिरा है वहां छोटी मस्जिद बनी है, जहां बड़ा पत्थर गिरा है वहां जामा मस्जिद बनी है। तो आपके मुरादपुर में भी एक छोटा पत्थर गिरा है जहां मस्जिद बनी हुई है। समझ रहे हैं? मस्जिदें क्या है? जन्नत की क्यारी है। क्या है? एक तो जन्नत की क्यारी वो है जो मदीने तैयबा में है, हुजूर के रौजा और हुजूर के मिंबर के बीच जो जमीन है उसे जन्नत की क्यारी, रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना कहा जाता है उसे। जिसने वहां जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ ली, कदम रख दिया, उसे अल्लाह जन्नत में भेजेगा। हदीस शरीफ में आया है कि कल हशर में अल्लाह जन्नत की उस क्यारी को उठा के जन्नत में रख देगा। तो मस्जिदें भी जन्नत की क्यारियां हैं। इन मस्जिदों में अपना नाम लिखाते रहो, आते जाते रहो, इबादत करते रहो। कल जब हशर के मैदान में ये मस्जिदें उठा के जन्नत में रखी जाएं, तो ये मस्जिदें अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह जब तूने हमें लाकर जन्नत में रख दिया है, कम से कम उन बंदों को भी हमारे अंदर लाके रख दे जो दुनिया में हमारे अंदर आके इबादत करते हैं। तो यूं ना सही, ऐसे ही आपका नंबर जन्नत में जाने का आ जाएगा। तो मस्जिदों से रिश्ता है गुलामी इस तवार के रखे हो और इससे गुलामी बना के रखो मस्जिदों से, और मस्जिदों में आते जाते रहा करो ताकि फरिश्तों के रजिस्टर में ये लिखा हुआ हो कि ये बंदा इतने इतने वक्त यहां नमाज पढ़ने आया है। समझ रहे हैं? तो जन्नत की क्यारियां हमने तस्वुर उलमा से सुना, हदीसें पढ़ी, कुरान में पढ़ा। अगर जन्नत के हूर के दुपट्टे का एक कोना काली रात में आसमान दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो काली रात में पूरी दुनिया में उजाला फैल जाए। जन्नत की खुशबू अगर एक सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आदमी बड़ा खुश हो, कसम खुदा की जन्नत है और जन्नत में जाएंगे। खुशफहमी के शिकार है ना हम, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। भैया किसी को पता नहीं है कौन जन्नत में जाएगा। समझ रहे हैं? ना मुझे पता ना मेरे बाप को पता। हमने ऐसी कोई इबादत अब तक नहीं की है जिस पर यकीन के साथ मैं कह सकूं ये इबादत खुदा के शान के लायक है। अगर आपके पास कोई सजदा है तो मुझे बताओ कि हमारा ये सजदा अल्लाह की शान के लायक है। किसी के पास एक भी सजदा ऐसा नहीं है। पूरी जंबील हयात में एक नेकी हमारे पास नहीं है जिसे हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। ये चेहरा इस काबिल नहीं है कि हम रब को दिखा सकें। जनाबे नसीर गोलड़वी ने एक अच्छा शेर कहा है, अल्लाह का दरबार तो बहुत बड़ा दरबार है। जब मदीने तैयबा गए ना तो उन्होंने नात लिखी थी, उसका एक शेर है, शर्म इस यहां से नहीं सामने आया जाता। या रसूल अल्लाह, गुनाहों की बुनियाद पर मुझे शर्म आती है कि मैं आपके मवाजे अकदस के सामने आऊं, जो आपका रौजा शरीफ जहां से सलामी पेश करते हैं ना, लोग कतार बांध के जाते हैं, जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं शाम तक सलातो सलाम पेश करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, सुबह तक सलातो सलाम पेश करते रहते हैं, और जो एक बार आ जाता है कयामत तक दोबारा उस फरिश्ते का नंबर नहीं आएगा। वो दरबार पुरवकार मदीने तैयबा में है। उस सरजमीन पर पहुंचने के बाद पीर नसीर गोलड़वी कहते हैं, या रसूलल्लाह शर्म इस यहां से नहीं सामने आया जाता। आका आपके जाली शरीफ के सामने आते हुए मुझे शर्म आती है, इसलिए कि ये चेहरा आपको दिखाने के लायक नहीं है। या रसूलल्लाह हमने वो गुनाह किए हैं, वो खताएं करी हैं, जाने अनजाने में हमने गुनाहों की अंबार लगाए हैं, या रसूलल्लाह सामने शर्म की बुनियाद पे मुझसे आया नहीं जाता। शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए माशाल्लाह। नबी के शहर में पहुंच जाना ये मामूली बात है। जिसको नबी बुलाते हैं वही मदीने तैयबा जाता है।
तो जन्नत का हमने तस्वीर भी देखा बांध रखा है, जन्नत के बारे में सुन भी रखा है, जन्नत के बारे में पढ़ भी रखा है, लेकिन कभी जहन्नम के बारे में कुछ सुना और पढ़ा है? हमारे उलमा ने सिर्फ जन्नत समझाया, जन्नत जन्नत हूर गिलमा, और रो ये माशाल्लाह क्या दीवारें मुश्क अंबर की, क्या फल फ्रूट होंगे, क्या बढ़िया बढ़िया दरख्त लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे और फूल होंगे, पत्तियां होंगी जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जमुर्रद के होंगे, बड़ा खुश होता है, इंशाल्लाह जरूर जाएगा। कभी आईने में चेहरा देख लो साथी, क्या इस लायक है कि जन्नत में जाएं? क्या इस लायक है कि खुदा की जन्नत का दीदार करें? क्या इस लायक है कि हमारा नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिखा जाए? जब आप सोने लगिए तो अकेले में तसव्वुर कीजिए और अपने जिंदगी भर के आमाल का एहतिसाब कीजिए, अकेले में बता ओ मेरे दिल तू फैसला कर, क्या मेरा अमल मुझे जन्नत में ले जाने के लायक है? पूछो अपने दिल से, अल्लाह की कसम आपका दिल आपको नकार देगा, जालिम तेरी जिंदगी की एक भी नेकी ऐसी नहीं है जो शान मौला के मुताबिक हो, रब के दरबार में पेश करने के काबिल हो। तो ये तसव्वुर बांधा जाता है, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, वो जन्नत में लेके जाएंगे, भैया कोई जन्नत में ले वे के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर ठीक अमल आपका है, अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, तो फिर तवक्को रखिए, वो लोग भी सिफारिश कर देंगे जन्नत के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो भुगतान देने के लिए तैयार रहिए। हाँ, हजरत सैयदा फातिमा जहरा को जब कब्र के हवाले किया गया ना जन्नतुल बकी शरीफ में, सुभान अल्लाह, सबसे मुअज्जज सबसे मुकर्रम सबसे बाबरकत कब्रस्तान जन्नतुल बकी मदीने तैयबा का हुजूर के रौदे शरीफ के बिल्कुल पास में, फातिमा जहरा को कब्र के हवाले करने के बाद हजरत अबू जर गफारी ने कब्र को मुखातब करके फरमाया, ओ कब्र तुझे पता है कौन तेरे अंदर आया हुआ है? कब्र ने जवाब दिया, अबू जर मैं कब्र हूं, यहां हसब नसब बयान मत कर, कब्र ये नहीं पूछती कौन आया है, कब्र तो ये पूछती है क्या लेके आया है, क्या लेके आया है, किसके बारे में? ये वो खातून जन्नत जिनके इशारे करम पर लखों का लाख औरतें बख्शी जाएंगी, वो खातून जन्नत जिनके चादरे ततहीर में छुपकर उम्मत की वो माएं बहनें बेटियां जन्नत की मुसाफिर बनेगी जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है, वो खातून जन्नत जैसा कि शोरा ने शेर पढ़े थे ना, मनादी निदा करेगा अहले महशर नजरें झुका लो, फातिमा की सवारी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसराज से गुजरने वाली है, और ऐसे गुजर जाएगी फातिमा जहरा जैसे बिजली चौंक चमकती है, बिजली कौंधती है, ऐसे गुजर जाएगी, नजरें झुकाने के लिए सबको हुक्म दे दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं फातिमतो सैयदुन निसाल आलमीन, मेरी बेटी फातिमा सारी दुनिया की औरतों की सरदार है। उसके बावजूद भी कब्र का जवाब सुनिए, अगर फातिमा जहरा के हवाले से कब्र का ये जवाब है तो मुरादपुर और कुर्बो जवार के रहने वाले लोगों मुझे बताओ, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारे बारे में कब्र का जवाब क्या होगा, तुम्हारे बारे में कब्र का क्या जवाब होगा? फरमाया गया हदीस शरीफ का मफहूम है, कब्र कहती है ओ बंदे मेरे अंदर आने की तैयारी कर रहा है ना, मैं वो हूं कीड़े मकोड़ों का घर, मैं डेड बॉडी खा जाती हूं, हड्डियां भी गला देती हूं, चमड़े सड़ा देती हूं, और सुन ले कान खोल करके तेरा वजूद मिटा दूंगी मैं, और ऐसे दबाऊंगी कि तेरे दाहिने तरफ की पसली बाएं तरफ की पसली में घुल मिल जाएगी। ये कब्र का अजाब है, कब्र का अजाब, वो जहन्नम कब्र की बात तो ये अभी मरने से लेकर के कयामत जब नफ़खे सानिया जब सेकंड मरतबा
इसराफील सूर फूकेंगे ना, उस वक्त फिर जिंदा होंगे और फिर उसके बाद उठ करके हश्र के मैदान में चलेंगे। तब तक हमें अपनी कब्र में ही रहना है। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है, मरने वाले इंसान की बॉडी नापी जाती है उसी के हिसाब से। बस थोड़ा सा साइड में जगह दे करके आगे पीछे बस इसको लपेट दो, कपड़े में लपेट के चुपचाप लेटा दो। अब सारे लोग यही पढ़ के आते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने, तुम्हारा काम जाने, हम तो यहीं तक तुम्हारे साथी थे। बोलो बोलो लोगों, आज तक क्या किसी मर्द मैदाने अपने बाप की कब्र में कोई चराग रखा? आज तक किसी भी चाहने वाले ने अपनी मां की कब्र में गद्दे बिछाए? आज तक किसी चाहने वाले ने अपनी बेगम की कब्र के अंदर रोशनी का कोई इंतजाम किया, कोई ऐसी लगाई उसमें? जी नहीं, कुछ भी नहीं। नंगी कब्र की पीठ होती है, उसी की कब्र की गोद में बंदा अपने चहेतों को सुला के आ जाता है, फिर पलट के नहीं देखता कि उसके साथ क्या होता है, पलट कर नहीं देखता। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। नबी रहमत फरमाते मफहूम हदीस, कब्र के अंदर जब मुर्दे पे अजाब होता है, अगर वो आवाज दुनिया के इंसान सुन ले तो उनके कान के पर्दे फट जाएं और लोग बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, लोगों की मौतें वाके हो जाए। कब्र के अंदर जो आवाज होती, जो मुर्दा चीखता और चिल्लाता है, ओ मेरे घर वालों, मुझे तन्हाई में कहां छोड़ के जा रहे हो, अंधेरे में कहां छोड़ के जा रहे हो? नमाज वो नुस्खा कीमिया है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम ये नमाज करेगी। तुम मरोगे, तुम्हारे दिल के साथ उनसियत का, मोहब्बत का सलूक ये नमाज करेगी। नमाज खूबसूरत शक्लो सूरत में, जवान की शक्ल में आएगी। मुर्दा पूछेगा, अल्लाह की बंदे तेरा भरा, अल्लाह तेरा भला करे, तू कौन है? मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बेटे मेरी कब्र में ना आए, मेरा बाप नहीं आया, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, मेरी बेबी नहीं आई, बंदे तू कौन है? मेरी मोहब्बत में यहां बैठा हुआ है। तो जानते हो, वो हसीन शक्लो सूरत वाला नौजवान बंदा कहता है, अल्लाह के बंदे तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी नमाज हूं, तेरे सब लोगों ने तेरे साथ छोड़ दिया ना, हम तेरी नमाज हैं, तेरी कब्र में रोशनी भी लेके आए हैं और तेरे दिल बस्तगी का सामान भी हम लेके आए हैं, जिसे तुम यूं समझ के छोड़ देते हो। अक्सर तादाद हमारे जवानों बूढ़ों ने दो रकत नमाज जुम्मा की पढ़ी, ये रवाना भगे। दिन भर बेटा लिए मोबाइल बैठा रहता, पागलों की तरह लगता दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया इसका, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दो रकत पढ़ने के लिए आता है। हया कर बंदे, अल्लाह से हया कर, तो शर्म आनी चाहिए परवरदिगार से। खुदा की जमीन पे रहता है, खुदा के आसमान के नीचे रहता है, अल्लाह की दीवी रोजी खाता है, उसकी दीवी सांस लेता है। क्या ख्याल है आपका, ये गर्मी का टेम्परेचर अगर और 5-7 पॉइंट बढ़ जाए आपका हाल क्या होगा? ये ऐसी तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कूलर किसी काम का नहीं होगा, और आप ऐसे मरेंगे ना जैसे मछलियों के तालाब में मछली मारने वाली दवाई डाल दी जाए और उलट पुलट करके मछलियां मर जाएं और सतह आप पर तैरने लगे, ये हश्र हमारा हो जाए अगर ये टेम्परेचर खुदा बढ़ा दे। सूरज चौथे आसमान पर है और अभी उसकी पीठ आसमाने दुनिया की तरफ है, अगर उसका चेहरा इस तरफ हो जाए तो इसकी रानाई का हाल क्या होगा, इसकी तपिश का आलम क्या होगा? कभी आपने सोचा है, ये हवा जो चल रही है ना, अगर ये हवा बंद कर दी जाए तो हम बावले हो जाते हैं। इसको क्या समझते हैं, अल्लाह जब हवा चला देता है थोड़ी देर के लिए, हल्की सी हवा चलती है ना तो ऐसा लगता है कि आदमी को ओह अरे जन्नत की हवा, मजा आ गया, कसम खुदा के बड़ा अच्छा लगा, ओ बड़ा सुकून मिला का, ठंडी ठंडी हवा। वो हल्की हवा जो चलती है ना, इस पंखे से लाख गुना ज्यादा बेहतर होती है, फरहत बख्श होती है, सेहत बख्श होती है। अल्लाह एक पैसा नहीं लेता उस हवा का आपसे। पानी पीने की कोई कीमत नहीं है, सांस लेने की कोई कीमत नहीं है,
डॉक्टर वेंटिलेटर पे डाल करके मौत हो जाने के हफ्ता भर बाद का भी पैसा मरदूद वसूल लेता है घर वालों से, जबकि मर गया है एक हफ्ता पहले इंसान, और सात सात दिन दस दस दिन जो है उस आदमी मरे हुए आदमी को मशीन पर रखकर पैसा वसूलता है। क्या ख्याल है आपका? रब ने ये जो चीजें दी है ना, गुर्दा, कलेजी, अतड़ी, पचौनी, तिल्ली, जिगर, मैदा, लंग्स और जी ये उंगलियां, 365 जोड़, फिर इनके अंदर नसों का जो है सिस्टमेटिक निजाम, पैर के अंगूठे से लेकर रीढ़ की हड्डी के साथ जो नसों का जुड़ाव हमारे दिमाग से, और फिर दिमाग को 365 रगों से अल्लाह ने बड़े अच्छे ढंग से बांध रखा है। ये सिस्टम खुदा का, एक बारीक सी नस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी कोमा में चला जाता, कोमा में कई कई लाख रुपए देने के बाद फिर भी वो रुतबा, वो वक्त, वो मकाम नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है आदमी ऑपरेशन करवाने के बाद भी। आप यूं समझते हैं कि सब ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही हो गया आप? ऐसा नहीं, खुदा के लिए पहचानो अपने आप को। जहन्नम, जिसको खुदा ने अपने नाफरमान बंदों और काफरों मुशरिक लोगों के लिए बनाया, तैयार किया, बिना तौबा के मर गए ना मुसलमान, सुन ले, और इस उम्मीद पर अगर तुम हो कि मरने से पहले तौबा कर लेंगे, तो मुझे बता दीजिए कि मरने से पहले आप तौबा करने पाएंगे ही कि नहीं पाएंगे? अगर कोई लाइसेंस आपके पास है, जी जब बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे ना, जब बुड्ढों से कौन दाढ़ी, अब तो रख लीजिए, देखते हैं देखते हैं, जवानों इंशाल्लाह बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे, नमाज में इंशाल्लाह बिल्कुल जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। क्या खबर है आप, क्या एहसास नहीं होता है कि आप बूढ़े होने भी पाएंगे कि नहीं होने पाएंगे, या जवानी में आपका टिकट कट जाएगा तो बुढ़ापा का इंतजार करते करते चले जाएंगे आप? सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, बंदे जवानी में इबादत कर, जवानी में, बुढ़ापे में इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा? घर में तेरे बच्चे नहीं पूछेंगे, तू खांसता घर में आएगा ना, लोग जाओ ना बाहर, बाबा कहां आकर के पका रहे हो दिमाग हमारा, बाहर जाइए बैठिए, जहां भैंस बांधी जाती है, जहां गाय बांधी जाती है, जहां बैल बांधे जाते हैं, वहां जाके बैठिए। वो बुढ़ा बेचारा खांसता वो बाहर आता है, ये बुढ़ापे में कदर होती, इल्ला माशाल्लाह जो बच्चे अपने माँ बाप के वफादार हैं उनकी बात नहीं करता, वरना अक्सरियत आज की तारीख में ये है कि माँ बाप को लोग बोझ तसव्वुर करते हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमें अपनी चॉइस के साथ अपना जीवन बसर करना है, अपने हिसाब से हम जिंदगी गुजारेंगे जिएंगे। माओ और बापों को लोगों ने आश्रम हाउस में डालना शुरू कर दिया है, ओल्ड हाउस में जाओ वहीं रहो, हम घर में अकेले रहेंगे, मियां बीवी, डोकरे, बूढ़े बाबा, अब्बा हुजूर, बूढ़ी अम्मा, आप आश्रम में रहिए। एक बूढ़ी माँ को, एक बूढ़े बाप को सिर्फ खाना तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ पानी नहीं चाहिए, एक बूढ़े बाप और माँ को बेटा भी चाहिए, बेटे की बीवी भी चाहिए, बेटों के बेटे और बेटियां चाहिए, बेटियां भी चाहिए और बेटियों के बच्चे भी चाहिए। उन बच्चों के बीच में रह करके बूढ़े बाप दादा का, परदादा का दिन और रात का लम्हा खैरियत से गुजर जाता है। मगर बुरा हो वेस्टर्न कल्चर का, वहां का हाल यह है पूरे यूरोप में कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे से बेपरवाह हो जाती है, इसलिए कि हमने अपने दोस्तों सुना जो वहां पढ़ाते हैं यूरोप में, उन्होंने कहा जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से बच्चे को इतना गिफ्ट मिल जाता है, इतने खिलौने मिल जाते हैं, दोस्त अहबाब हुकूमत पैसा, उसी दिन से उसकी तनख्वाह जारी हो जाती है और उसके लिए आया मुतय्यन होती है, आया खिलाती पिलाती, वही दूध पिलाती बाहर का, माँ बाप फ्री है, कोई मतलब नहीं। माँ बाप ने बच्चों को बचपन में अपना प्यार ना दिया, जब बच्चे 18 साल को पार करते हैं यूरोप में और उनकी शादियां होती हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में प्यार नहीं देते हैं, उन्हें ओल्ड हाउस में डाल के आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। बदकिस्मती से ये बीमारी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आ गई है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके यहाँ ये बुराई पाई जा रही कि लोग अपने बूढ़ों को बोझ महसूस करते हैं, जबकि हम जानते हैं अपने बचपन में हमने देखा है कि बच्चे अपने बड़ों से सीखा करते थे। कहीं बूढ़े बैठे होते थे तो उनके बीच आके छोटे छोटे बच्चे बैठते थे, बूढ़े उनको कुछ कहानियां सुनाते थे, कुछ अच्छी बातें बताते थे, तो बच्चे उनसे सीखते थे। आज इतना एडवांस हो गया जमाना, बूढ़ों उड़ों के पास तो कोई आना ही नहीं चाहता है। वो समझते हैं ये वेस्टेज माल है, इनको साइड में कर दो, क्योंकि एक मोबाइल की दादी अम्मा हर आदमी घर पे मौजूद है। एक एक घर में 5-5 मोबाइल, 10-10 मोबाइल, 8-8 जितने कैंडिडेट उतने मोबाइल। और लॉकडाउन लगाने के बाद तो अब तो छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मोबाइल संभाला दिया गया है। 8-8 महीने के बच्चों को मैंने देखा, खूब धाड़े मार के रो रहे होते हैं ना, मोबाइल को सिर्फ दिखा दीजिए ऑटोमेटिक जैसा, जैसे उनका आंसू वहीं रुक जाता है। बहुत खुश होता बच्चा। ये कहां सीखा उसने, ये कहां सीखा है? जब वो पेट में मां के था तब उसने सीखा है। गौ से पाक मां के पेट से पैदा हुए थे तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। बख्तियारे काकी पैदा हुए तो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा था शहजादो तुमने ये कुरान कहां याद किया, जवाब ये दिया था मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। जब वो माँ पढ़ती थी ईशा के बाद कुरान, 18 पारे पढ़ने के बाद बिस्तर पे जाती थी, मैं अपनी माँ के पेट में रह करके 18 पारे सुन सुन करके मैंने याद कर लिए। बख्तियारे काकी फरमाते मैंने अपनी माँ के पेट में रह करके 14 पारे जबानी याद कर लिए कुरान के। लोगों अगर बच्चे 14 और 18 पारे माँ के सुन करके माँ के पेट में रहकर याद कर लेते हैं और उसका ये असर मुरतब होता है बच्चों पर, तो माएं अगर उस पीरियड में जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं अगर गाने सुनती हैं, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरें देखती हैं, उनके डायलॉग सुनती हैं, तस्वीरें नाचने वालियों की और नाचने वालों की देखती हैं, उनकी नंगी तस्वीरें, अर्ध नग्न तस्वीरें, बेहया की तस्वीरें अगर ये देखती, क्या समझती है आप, क्या इसका साइड इफेक्ट आपके पेट में रहने वाले बच्चे पर नहीं पड़ेगा? क्या वजह है आज कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं पैदा होता? क्या वजह है मखदूम इश्तिमना कोई नहीं पैदा होता? क्या वजह अब्दुल कादिर जिलानी कोई नहीं पैदा होता? क्या वजह है इमाम अहमद रज़ा कोई नहीं पैदा होता? वजह यह है जिन माओं की गोद से ऐसे हीरे मिलते थे कौम के, वो गोदें ऐसी लापरवाह बेपरवाह बेशरम और बेहयाई और बेगैरती की आमाजगाह बन गई है, जहां से ऐसा माल विकसित ही नहीं होता है। कहां से मिलेंगे बच्चे? माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है, पहली तरबियत गाह है, पहला स्कूल है। माओ तुम्हें अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है? बच्चे पैदा हो जाएं तो उनका हाल ये होता है, जितने छोटे कपड़े बाजार में मिलते हैं उतने छोटे कपड़े लाए जाएंगे, टॉपर चड्डी बनियान, आधा जिस्म दिखता है आधा नहीं दिखता है, किसी का ऐसा दिखता है यूं ऐसे सैंडोनुमा बनियान। अरे अपने बच्चियों को बचपन से ही इस्लामी कल्चर बताओ कि एक फातिमा जहरा की कनीज का किरदार क्या होना चाहिए, हसनैन करीमैन का पाकीजा किरदार क्या था, ये बच्चों को बताओ अपने आप को। आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब तक तुम अपने बच्चियों को और बच्चों को ये नहीं सिखाओगे तो ये बच्चे आगे चल करके कोई गुलाम मोइनुद्दीन नहीं, कोई कनीज़े फातिमा नहीं, बल्कि कोई सलमान रुश्दी बन के पैदा होगा और कोई तस्लीमा नसरीन पैदा होगी। इस तरह से बेहया लोग पैदा होंगे और कौम में वो जहर घोलेंगे मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी की अजमत के खिलाफ। आज किसे इस बात का एहसास नहीं है कि ना तहफ्फुज़ नामूस रसालत के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, खासकर हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में रोज एहतजाज हो रहा है, लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं कहता हूं जरूरत कहां पेश आती यार एहतजाज करने की? हम क्यों ना अपने बच्चों और बच्चियों को इतना पाबंद बना दे, इतना पाबंद बना दे ना, दुनिया को नजर उठाने की हिम्मत ना पड़े हमारे बच्चों और बच्चियों पर। ये कब होगा? ये ज़ौक़े जुनू उस वक्त बेदार होगा जब बाप और मां
दोनों मिल करके बच्चों की परवरिश और विलादत के जमाने से पहले से लेकर के उनके तरबीजो इशात पर, उनके जहनों फिक्र के ऊपर इस्लामी कल्चर का कि रंग आफरीनी करने का काम करेंगे, तब कभी जाकर के ये माहौल पैदा होगा। अगर हमने ये काम शुरू नहीं किया है ना, तो आप लाख चिल्लाएं तहफ्फुज़े नामुसे रसालात, गिरफ्तारी दीजिए, ज्ञापन दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप ही मारे जाओगे, आप ही कूटे जाओगे, आप ही जेल में जाओगे और आपका ज्ञापन रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। मुझे बताओ, नबी के नामूस के तहफ्फुज़ के लिए दिल में आपके ज़ौक है, मगर मैं क्या पूछ सकता हूं कि नबी की जो 11 बीबियां थी उनका नाम क्या था, कितने को पता है? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि नमाज के अंदर शरायत कितनी है, वाजिबात कितने हैं और फराइज कितने हैं? क्या कोई जवाब दे सकता है कि नबी के 3 शहजादे थे और 4 शहजादियां थी, इनके नाम क्या हैं और चारों शहजादियों का निकाह किस किस से हुआ है? क्या आप बता सकते हैं कि गजवात में कितने गजबे में नबी ने शिरकत फरमाई है, कितने सराया पेश आए हैं, बदर के मैदान में कितने मुसलमान शहीद हुए हैं? क्या बता सकते हैं आप? नबी की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी का कंपेयर करने के बाद दोनों का फर्क बता सकते हैं आप? जब आपको यही पता नहीं है, तो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करने का ये स्वांग रचाना ये कहां की दानिशमंदी है? पहले दीन सीखिए, दीन अपना मजहब सीखिए। सिर्फ जन्नत के लालच में, तखय्युल में जन्नत का तवाफ मत कीजिए, जन्नतियों जैसे काम भी कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था जहन्नम के हवाले से, एक दिन नबी करीम बैठे हुए थे, जिब्राइल अमीन आए बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, एक धमाका खेज आवाज आई। हुजूर ने पूछा, जिब्राइल ये आवाज कैसी है? उन्हें अर्ज किया, या रसूलल्लाह, 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था, 70 साल के बाद वो पत्थर जहन्नम की तह में पहुंचा है, ये उसका धमाका है। क्या समझते हैं आप कितना गहरा जहन्नम है? पत्थर ढकेला जाए मुडेर से और 70 साल में तह तक पहुंचे जहन्नम के, कितना गहरा जहन्नम है? जिस जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, जानते उसके बारे में क्या फरमाया गया है? उसका जो ये मोड़ा है ना, मोड़ा, इस मोड़े से लेके इस मोड़े तक, हदीस शरीफ का मफहूम ये है, तेज रफ्तार घुड़सवार अगर यहां से दौड़े इस मोड़े तक, दौड़ाए घोड़ा को तेज रफ्तार, 2 महीने में यहां से यहां तक पहुंचेगा। सुन रहे हैं? जहन्नमी का जो दांत होता है, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में है। मुंह में 32 दांत हैं, 32 को 15 किलोमीटर के हिसाब से गुणा करके देखिए, ये दांत जो 15 किलोमीटर का एक दांत होगा, तो 32 दांत 15 किलोमीटर के हिसाब से कितना बनता है? कितने बड़े मुंह में और चेहरे में उस दांत को सेट किया जाएगा, कितना बड़ा सर होगा उसका, तसव्वुर कीजिए। ये जो खाल है ना, खाल, ये जहन्नम, जहन्नमी खाल, ये 70 मीटर मोटी होगी ये खाल, 70 मीटर। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, तो 70 साल तक पानी 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 चिल्लाता रहेगा दारोगे जहन्नम से, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। 70 साल तक उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या पिएगा उसमें? जहन्नमियों का बदबूदार पीप, पेशाब और खून पिएगा, वही खाएगा वो जहन्नमी, जहन्नम। 70 साल के बाद दारोगे जहन्नम कहेगा, क्या मांग रहा है? वो कहेगा, पानी चाहिए पीने के लिए। कहा, ठीक है, देता हूं। तो जहन्नम के एक दहकते हुए बर्तन में जहन्नमियों के खौलते हुए पीप और लहू को, खून को जो बदबूदार होगा, वो दिया जाएगा पीने के लिए। हदीस शरीफ में आया हुआ है, जब वो पीने के लिए प्याला मुंह के करीब लाएगा, तो चेहरे का गोश्त सड़ करके, झड़ करके उसके प्याले में आ जाएगा, और फिर उसी को पिएगा, वो उसी को पिएगा।
जब वो पिएगा ना तो ये भी हदीस शरीफ में आया है, उसके पेट की अतरियां सड़ गल करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बहने लगेंगे। डर नहीं लगता जहन्नम से? ये चमड़ा जब गल जाएगा जल करके, तो अल्लाह क्या फरमाता, कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम बदल्लाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जो 70-70 मीटर मोटा होगा ये सड़ गल जाएगा, तो आए लोगों हम फिर नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम का अजाब चखाया जाए। तुम झुटलाते थे ना, तुमसे पूछा नहीं जाएगा जहन्नमियों, जहन्नम में जाने वालों तुमने दुनिया में क्या गुनाह किया था, नहीं पूछा जाएगा। जहन्नमी अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जहन्नमी मुजरिम अपने चेहरों से पहचाना जाएगा, यानी उसके चेहरे पर उसका गुनाह लिखा होगा जो उसने दुनिया में किया होगा, खताएं लिखी होंगी। और जब मुजरिम पहचान लिया जाएगा तो फयुखज़ बिन्नवासी वल अक़दाम, उसकी टांगे और उसकी पेशानी के बाल पकड़ करके जहन्नम में उसे फेंका जाएगा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। ओ जहन्नमी सुन, ये वही जहन्नम है जिसको तू मानता नहीं था और तूने बहुत हल्के में लिया था जहन्नम को ना, झुटलाता था कि ये मुल्ला लोगों की कहानियां हैं, मौलाना लोग तो ऐसे समझाया करते हैं, भला जहन्नम भी ऐसा कोई होता है? हाज ही जहन्नम उल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये कंडीशन होगी जहन्नमी होगी। कुछ याद आ रहा है अपने बारे में? ओ जवानों, अपनी जवानियों पे फख्र और नाज करने वालों, हमने चश्मे जदन में लोगों को बेहोश होते देखा है, सेकंड नहीं लगता है पैरालिसिस होने में, अच्छा खासा इंसान ठीक ठाक चल रहा होता है और गिर करके तड़पने लगता है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ बंदो अपने रब को सजदे करते रहो, सजदे करते रहो, इसलिए कि अगर तुमने सजदे न किए तो सुन लो, हमने बगैर सजदे और बगैर रुकू की नमाज पढ़ने वालों को बहुतों को देखा है। आप देख लीजिए मस्जिदों में कुर्सियां लगी हुई हैं, हरमैन शरीफ जाइए तो हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है मगर वो ढंग से सजदा नहीं कर पाता है, रुकू नहीं कर पाता है, बैठा हुआ कुर्सी पे रुकू करना हुआ तो ऐसे थोड़ी मुंडी झुका लेता है, सजदा करना हुआ थोड़ी और थोड़ा ज्यादा झुका लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि तुम सजदा करना चाहो, अल्लाह तुम्हें सजदा करने का मोहताज बना दे, कहीं ऐसा ना हो। डरो अपने परवरदिगार से। वो बंदे जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह उन बंदों से प्यार करता है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। खुदा से कांपते रहिए, अल्लाह से लरसते रहिए, और अल्लाह ने डरने वालों के लिए इनाम रखा है। इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाज़ा हदाइक व अनाब व कवाइब अतराब व कासन दिहाका। उठाइए कुरान शरीफ 30वां पारा सूरह नबा शरीफ है, अल्लाह फरमाता बेशक डरने वालों के लिए इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाज़ा कामयाबी है, हदाइक व अनाबा जन्नती बगीचा है और अंगूर के दरख्त हैं उसमें गुच्छे लटक रहे हैं, व कवाइब अतराबा एक खास उम्र की कुमारी औरतें हैं जो तेरे निकाह में दी जाएंगी जन्नती, व कासन दिहाका तुझे पीने के लिए जन्नत का शराब तहूर दिया जाएगा। अल्लाह से डरने वालों ये तुम्हारा इनाम है, सजदे करो मौला को अपने, बंदरी करो अपने परवरदिगार की, रोते रहियो अपने रब की चौखट पर। ये वक्त वो है जब अल्लाह वाले जाग करके खुदा को राजी करते हैं, ये तहज्जुद का वक्त है। और जानते हो तहज्जुद का वक्त क्या होता है? कबूलियत का वक्त होता है।
जितने भी अल्लाह वाले रहे हैं ना वो तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुलबुल शिराज, अपने बेटे के साथ तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज दोनों ने पढ़ ली, बेटे ने कहा अब्बा हुजूर ये कितने लोग बेकार लोग हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते तहज्जुद की, हम दोनों बाप बेटे नमाज पढ़ रहे हैं, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो बाप ने कहा बेटे इससे बेहतर था तू नमाज ही नहीं पढ़ता, खुदा के दरबार में तन्हाई में इबादत करने के लिए उठा है फिर भी तू दूसरों के ऐब देख रहा है, फिर भी तू दूसरों का आंगन झांक रहा है, दूसरों के गरीबान में टटोल रहा है, इससे बेहतर था तू तहज्जुद ना पढ़ता, कम अज कम इस वक्त तुझे दूसरों के ऐब नहीं दिखने चाहिए थे। तू अपने मौला को राजी करने के लिए उठा है ना, तो दूसरों की फिक्र क्यों करता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी आंखों का शहतीर नजर नहीं आता है, वो दूसरों का ही झोपड़ा देखा करते हैं, दूसरों का घर देखा करते हैं, दूसरों के घर में झांका करते हैं, दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। बंदे तू अपने बारे में सोच, तुझसे नहीं पूछा जाएगा फला साहब के बारे में क्या ख्याल है, तुझसे नहीं पूछा जाएगा फला कमेटी वालों के बारे में तेरा क्या ख्याल है, फला नकीब के बारे में तेरा क्या ख्याल है, फला शायर के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तुझसे नहीं पूछा जाएगा, तुझसे तेरे बारे में पूछा जाएगा। सुन लो मुरादपुर के लोगों, हदीस शरीफ में आया जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब नहीं दे देगा अल्लाह को तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब बंदा अल्लाह के दरबार में पेश होगा ना हशर के मैदान में, तो अल्लाह पूछेगा 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र जो हमने तूने दी थी, हम तुझको हमने दी थी ना, ये बता बंदे तूने इस उम्र को किस काम में खर्च किया है। ओ इस जलसे में बैठे हुए लोगों, जिसकी जितनी भी उम्र है वो हिसाब जोड़ ले कि हमने अल्लाह को अपने जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना है, एक एक नेमत का हिसाब देना है। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुस अलून यौमैज़िन अनी नईम, हम तुमसे अपनी हर हर नेमत के बारे में जरूर पूछेंगे तुमने हमारी नेमत का इस्तेमाल कैसे किया है। दे सकते हैं जवाब हम खुदा को, जिस खुदा का दरबार ऐसा, कुरान फरमाता यौम यकूमु रूहु वल मलाइका صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، حشر کے میدان میں جبریل امین فرشتوں کا گروہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو کانپتا ہوگا کانپتا ہوگا، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی اللہ سے، وہی بات کر سکتا ہے جسے اللہ حکم دے گا پرمیشن دے گا۔ ہمارا تو نمبر بھی نہیں آئے گا، हम तो सिर्फ रात भर जलसा करने के आदि हैं, जागरण मंच करने के आदि हैं, हाँ फिर सुबह सोएंगे फजर गायब, जोहर गायब, आसर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, जुम्मा में कभी कभी ज्यारत करने मस्जिद में तशरीफ ले आएंगे। नमाजें पढ़ने से शैतान बहुत रोकता है। एक शख्स उठा नमाज पढ़ने के लिए, अपने घर से निकला, अंधेरा था, पैर टकराया किसी चीज से, गिरा कीचड़ में, कपड़ा गंदा हो गया, गुस्से में उठा, वापस घर में आया, नहाया, कपड़ा दूसरा पहना, फिर निकला, फिर गिरा, फिर कपड़ा लथपथ हो गया गंदगी में, फिर वापस पलट के आया, गुसल किया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर तीसरी बार चला। जब बाहर निकला नमाज पढ़ने के लिए तो एक शख्स जो है चिराग लिए खड़ा हुआ था, कुछ ना इन्होंने उससे पूछा ना उसने इससे कुछ पूछा, वो रोशनी दिखाता हुआ उस बंदे को मस्जिद के पास ले गया, वो अंदर चला गया नमाजी और ये बाहर गेट पे खड़ा रहा चिराग लेकर के। जब नमाज पढ़ के वो शख्स बाहर निकला तो चिराग लेकर के आने वाला फिर चिराग दिखाता हुआ उसको उसके घर तक ले आया। जब वो चिराग दिखाने वाला वापस पलट के जाने लगा तो उस नमाजी ने पूछा अल्लाह के बंदे तूने इतना नेक काम किया है तो कम से कम अपना नाम तो बताता जा, तू कौन है यार, तूने इतना कर्म मेरे साथ किया है, रोशनी दिखा के मुझे मस्जिद तक ले गया, रोशनी दिखा के मेरे घर तक छोड़ने आया, अब बता बता तू कौन है। उसने कहा मेरा नाम जानना चाहते हो, कहा हाँ, कहा मेरा नाम इबलीस है,
मैं शैतान का तेरा नाम तो नमाज से रोकना है। कहा बिल्कुल मेरा काम नमाज से रोकना है। कहा फिर तूने मुझे रोशनी का इंतजाम क्यों किया, मस्जिद तक लेकर गया, मस्जिद से घर तक लेकर आया क्यों? कहा बंदे हमें ये बहुत दुश्मनी होती है, बहुत गुस्सा लगता है जब अल्लाह किसी मुसलमान को बख्श देता है। कहा अच्छा क्या हुआ? कहा जब तू पहली बार गिरा और गलाजत में मुलव्विस हुआ, कपड़ा तेरा गंदा हुआ, जिद में गुस्से में आके तूने गुसल किया, नया कपड़ा दूसरा पहना, फिर चला, तो अल्लाह ने तेरे इस अमल के बदले में तेरे घर भर की बख्शिश फरमा दी। कहा अच्छा क्या जब दूसरी मरतबा तू गिरा और फिर वापस आके तूने गुसल किया, दूसरा कपड़ा पहन करके फिर मस्जिद चला, तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान की बख्शिश कर दी। और फिर तीसरी बार जब तू तेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तू फिर गिरे गलाजत में, फिर वापस पलट के आए नहाए और फिर नया कपड़ा पहन के मस्जिद में जाए तो अल्लाह तेरे सदके में तेरे पूरे गांव की बख्शी कर देगा। तो जितने को हमने बचाना चाहा उतने को बचा लिया, उनको बख्शने नहीं दिया। ये शैतान का काम है। जब आप नमाज के लिए उठना चाहेंगे ना तो शैतान आपका पैर दबाएगा। अरे बेटे कहाँ जा रहे थे, आराम कर लो, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही सुबह सुबह की है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है। अच्छा जब से ये एसी और कूलर होगा ना, जब से और ऐसी तैसी हो गई, पहले तो लोग जाग भी आते थे नमाज पढ़ने के लिए, अब कम बगत जागता ही नहीं है, ठाट से सोता रहता ठंडी ठंडी हवाएं। एक तो ये हवा ठंडी ठंडी और दूसरे शैतान पैर भी दबाता करके बेटे सोता रहे सोता रहा बेटा सोता रहा। हदीस शरीफ का मफहूम है वो नाक के अंदर यहाँ जहाँ पतला हिस्सा है यहाँ करके वो यूं अपना जो है मसल करता है ताकि इसको आराम और सुकून मिले और खर्राटे मार के सोया करे, फिर सोता रहता है वो। और जब नमाज कजा करवा देता है तो फिर निकल के चला, अब बेटे तू सोता रहे हमें क्या देना, जागे चाहे ना जागे। अल्लाह फरमाता इन शैतान लिल इंसान अदू मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ए लोगो शैतान जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है उस खुले हुए दुश्मन से सतर्क और होशियार रहने के लिए हम क्यों तैयार नहीं है? असर और मगरिब के बीच में अपने छोटे बच्चों को रास्तों पे मत छोड़ा करो मेरी माओ बहनों, शैतान के टोले निकलते हैं इस वक्त में और उसके लपेटे में कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आ जाएं। शैतान उस वक्त दौरे पे निकलता अपनी पूरी जरूरत के साथ में, तो असर और मगरिब के बीच में ना तो बच्चों को सड़क और रोड और चौराहों पे जाने दो और ना ही कोई माँ बहन बेटी अपने मकान की छत पर जाए इस हाल में कि उसके सर के बाल खुले हुए हों। ऐसा होता है कि छत पर जाने के बाद वो कंडीशन होती है, शैतान उसमें आ जाता है, फिर एक जमाना तक उसे झेलना पड़ता है। ये कोई बताए बताएगा नहीं, मुझे आपको तकरीर सुना करके अपनी तारीफ मुझे नहीं करवानी कि बहुत तकरीर जमा दी मैंने, नहीं। सुन लीजिए ये आपके काम की चीजें हैं, आपके काम आएंगी, इसको ध्यान से सुनिए साथियों, समझ रहे हैं? और अपने बच्चों को बचपन से ही इस लायक बनाओ तुम्हारे बच्चे कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, पढ़ने जाएं, बाजार में जाएं, उनको ये एहसास रहे कि वो मुसलमान के बच्चे हैं। अपनी बच्चियों को शुरू से ही ये सिखाओ, खाला के लड़के के साथ, मामू के लड़के के साथ, भले ही वो 8-5 साल का ही क्यों ना हो, दूर रखो, हाथ ना मिलाने दो, क्लोज होके खेलने मत दो, बच्चियों को हिदायत दो, बच्चों को हिदायत दो। ये रिश्ते इतने खतरनाक होते हैं कि बढ़ते बढ़ते वो किसी और तरफ भी कदम उठ जाते हैं, फिर दोनों तरफ के लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। आका करीम अली सलाम ने इसीलिए फरमाया है जब बच्चे और बच्ची 10 साल के हो जाएं तो इनके बिस्तर अलग कर दो, दो भाइयों को एक बिस्तर में सोने मत देना, भाई और बहन को एक साथ बिस्तर पे मत सोने देना, दो बहनों को एक साथ बिस्तर में मत सोने देना, इनके बिस्तर अलग कर दो ताकि अखलाकी बीमारी के शिकार ना बनने पाए। सुन रहे हैं? इलाज कीजिए अपने दिमागी खलजान का, अपने आप के गिर्दोपेश का जायजा लीजिए,
हवाएं आपकी दुश्मन, माहौल आपका दुश्मन, मुआशरा आपका दुश्मन, नचनिए गवैये आपके दुश्मन, शैतान आपका दुश्मन, और इतने सारे दुश्मन आपके हैं। जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, ठीक है ना, 32 दांतों के बीच में जबान, फिर भी किस तरह से जबान अपने आप को दांतों से बचाकर रखती है, ऐसे ही 32 दुश्मनों के बीच में आप रह करके अपने आप को कैसे बचाकर रख सकते हैं। मुखलिस बंदे की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी है सोचने की। कभी कभी ऐसा होता है, जबान कभी चूक जाती है तो दांत के नीचे दब जाया करती है, जख्म लग जाता है, एक आध बूंद खून भी निकल आता है, कभी गांठ भी पड़ जाती जबान में दांत के नीचे दबने की बुनियाद पर। अल्लाह ने दांत में उसमें जबान में हड्डी नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है जबान में हड्डी परवरदिगार ने? जबान में खुदा ने हड्डी इसलिए नहीं रखी है ताकि तुम्हारी जबान कड़वी और सख्त बोल ना बोले। ऐसे बोल मत बोलो कि कफन फाड़ के, जो है कफन फाड़ के बोलता यार। ये फरमाया गया, जरा हातुस्सिनान इलहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तलवार का जख्म तो भर जाता है, जबान से दिया हुआ जख्म नहीं भरता है। अगर आपके रिश्तों में दरार हुई है ना जख्मों की बुनियाद पर, जबान के जख्मों की बुनियाद पर, रिश्ते सुधर भी जाएं, गांठ तो लग जाती है। एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे से पूछा, एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा ख्याल और ध्यान अल्लाह की रहमत को किस तरफ होना चाहिए, उस बंदे की तरफ जो बंदा नेकूकार अच्छा है, या उस बंदे की तरफ जिसने अपने गुनाहों से तौबा किया है और अब वो नेक बना है? तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत किस तरफ मुतवज्जे रहनी चाहिए? तो हमने भी देखा है करगा चलाने वालों को, तो वो फरमाते हैं, बेटे मैं कोई बहुत बड़ा मौलाना तो नहीं हूं, कोई आलिम नहीं हूं, हाँ मैं कपड़ा बुनता हूं, धागा को डालता हूं उसके जहां जहां डालना होता है, जब कोई धागा टूट जाता है तो उसमें हम गांठ बांध देते हैं, धागे जो बिल्कुल सीधे जिसमें गांठ नहीं होती है ठीक होते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, हम ध्यान उस धागे पर रखते हैं जिसमें हमने गांठ डाली हुई कि ये ना टूट जाए। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो बताया उसने, हाँ हाँ शायद शायद ही वजह है, अल्लाह अपने उस बंदे की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होता है जो अपने गुनाहों से तौबा करके हर रिश्ते गुनाह तोड़ के अपने रब की दहली से करम पे आता है, अल्लाह की रहमत उस तरफ ज्यादा मुतवज्जे रहती है। तो अगर हमने अब तक तौबा नहीं किया है, लोगों तौबा करो अपने गुनाहों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, तुम अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करो जिस तौबा के बाद गुनाह करने का इरादा ना हो, जिस तौबा के बाद गुनाह करने का इरादा ना हो, इस उम्मीद पर कल तौबा कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक महीने बाद कर लेंगे, अगले रमजान से कर लेंगे। ये तूले अमल दे करके तौबा की तारीख मत दिया करो कोर्ट और कचहरियों की तरह। जितनी जल्दी हो सके, जो कल करना है वो आज कीजिए, जो आज करना है वो अभी कीजिए, इसलिए कि मौत इंफॉर्मेशन देके नहीं आती है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कहां पकड़ करके गला दबोच दे मलकुल मौत, कुछ पता नहीं। अल्लाह फरमाता, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिन فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ। मुस्तफा तुम फरमाओ, मेरे बंदों को कह दो, तुम जिस मौत से भागते हो वो तो मौत तुमसे जरूर मुलाकात करके रहेगी, बच नहीं सकते हो। और ऐसे यूं खींच कर मौत ले आती, बाप के सामने बेटे को, बेटे के सामने बाप को, मां के सामने बेटी को, बेटी के सामने मां को, सारा घर भार टिका हुआ है देखने के मरीज को, सबके बीच में आया मलकुल मौत, ये पकड़ा चल लेके निकला, जब रू निकला और गेट पे जब पहुंचता है ना,
मलकुल मौत जब रूह निकालता, मेरे नबी फरमाते हैं क्या तुम ये समझते हो कि मौत आसानी से रूह निकलती है? नहीं नहीं लोगों, मेरे नबी फरमाते हैं मलकुल मौत 500 फरिश्तों को लेके आता, 500 फरिश्तों को, अकेले नहीं आता है रूह निकालने के लिए, 500 फरिश्ते आते हैं। वो जिसकी रूह निकाली जाए, कोई पैर पकड़ता है, कोई हाथ दबा कर, कोई गला दबा के रखता है, कोई मुंडी पकड़ के रखता है। क्या ख्याल है आपका, एक देसी मुर्गा जबा करना होता है ना तो बड़ी आसानी से जबा नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला के वो आसमान सर पे उठा लेता है। ये जो भी बनारसी मुर्गा आया, बनस्पति, इस मुर्गे की बात नहीं करता हूँ, हाँ जी इधर ब्रॉयलर मुर्गा, इसकी बात नहीं करता। ये तो ये दरबे में सब बंद है, एक को निकाला यूं एक ही हाथ से उसका पंख पकड़ा, मुंडी पकड़ी और यूं बिस्मिल्लाह लगा की गया काम से, इतना ही करता है, ची बस खत्म। वो अंदर जो दरबे में बैठे हुए हैं ना, वो बड़े मस्त रहते हैं, वो दाला चुनते रहते हैं, खाते रहते हैं, बड़े मौज में रहते हैं। उसको पता नहीं एक गया है दोबारा मेरा नंबर आएगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा, सब एक के बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। लेकिन जो देसी मुर्गा होता है ना, अल्लाह अकबर, अकेले कोई जबान नहीं कर सकता, दोनों पंख को पैरों के नीचे दबाना पड़ता है, उसके बाद मुंडी पकड़नी पड़ती है, दोनों टांग को पकड़ना पड़ता, फिर भी चिल्लाता रहता है काटते काटते। क्या ख्याल है आपका, जब एक मुर्गा की जान निकलने में इतनी तकलीफ होती है तो ये 6 फीट का, 7 फीट का, 5.5 फीट का बंदा, जब इसकी जान निकलती तो क्या आसानी से निकलती। मेरा नबी फरमाता फरिश्ते उसको दबा कर रखते हैं फिर रूह निकाली जाती है। आका फरमाते हैं अगर फरिश्ते जकड़ कर ना रखे तो ऐ लोगों तुम देखते मरने वाला मौत की तकलीफ की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरता, ये नबी फरमाते हैं। और जब रूह निकाल के मलकुल मौत गेट पर पहुंचता है ना, पूरा खानदान, पूरे घर वाले पों पों रोने शुरू करे, चिल्ला चिल्ला करके, तो मलकुल मौत रूह को लेकर के गेट पे खड़ा होता और कहता ओ घर वालों तुम क्यों रोते हो, सुनो अल्लाह की कसम मैंने इसके मुकद्दर का एक दाना नहीं छीना है, जितना दाना लेके आया था कुदरत तरफ से खा चुका, मैंने इसकी किस्मत में जो एक कतरा भी पानी था नहीं छीना है, जितना पानी पीना मुकद्दर था उतना पानी पी चुका, अब नहीं इसके मुकद्दर में पानी, मैंने इसकी जिंदगी की एक सांस भी नहीं छीनी है, जितनी सांस लेनी थी ले चुका, मैंने तो रब के हुक्म की पालना करी है। और रोने वालों सुनो, तुम इस पे रोते हो, आज मैं इसको लेके जा रहा हूं, कल मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ये हालत होती साथियों, ऐ काश हम बेदार हों, जागें, गुनाहों से तौबा करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें, भले काम करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, छोटे बड़े का अदब एहतराम करें। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया अकरिमु करीमा कुल्ल कौमिन, हर मजहब के बड़े की इज्जत करो, हर मजहब के बड़े का आदर सम्मान करो, उसका इस्तकबाल करो। खबरदार खबरदार, किसी भी इंसान से नफरत मत करना, इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है। ये मोहब्बत ही थी कि जिस हिंदुस्तान अखंड भारत को महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी जैसे लोग फतेह न कर सके। 17 बार अटैक करना पड़ा महमूद गजनवी को और शहाबुद्दीन गौरी मार खा के गया। उस अखंड भारत को एक मर्द कलंदर ने अजमेर की धरती पर बैठ करके दिलों की दुनिया को फतेह किया और 90 लाख कुफर के दिलों में कलमे मुस्तफा की रोशनी पैदा की। खाजा ने, उस मर्द कलंदर ने कोई तलवार नहीं चलाई थी, अखलाक, प्यार, इंसानियत, सबकी कदर करना, सबसे प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, बड़ों का अदब करना, छोटों से शफकत करना उनके साथ, यही तो हमारे इस्लाम का इम्तियाजी मकाम है ना। आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, नबी फरमाते हैं वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। ये चंद गुजारिशात थी जो लगभग 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मैंने आपके गोशे गुजार की हैं और मैं समझता हूँ कि इतना बहुत है। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफ़ी है अगर कुछ असर करे।
खैर इस वक्त रात के हिस्से में जब मैं बोल रहा हूं तो ये ऐसा ही है जैसे एक साथ किसी अच्छे हरे भरे खेत में भैंस गाय बकरियां भेड़े सब पहुंच के सब खा जाएं, तो डंठल बचा रहे ना, तो वो ऐसी हाल है। कास्फी माकूल, खाई हुई खेती, फजालहुम कास्फी माकूल। अल्लाह ने जो अबराहा खरीक के ऊपर जो बाबिल का लश्कर भैया अब तैरना बाबिल है ना, अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बि असहाबिल फील अलम यजाल कैदहुम फी तगलीलि व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बि हिजारति मिन सिजील फजालहुम कास्फी माकूल। उन चिड़ियों ने अबाबिलों ने अपने चोंच और अपने पंजों में चने के दाल के बराबर छोटी छोटी इस्कट मिसाइल जो फेंकी ना अल्लाह के उन परिंदों ने जद्दा की तरफ से आए थे अरफात और मुजदलफा के बीच की वादी वादी मुहसर में। ऊपर से कंकर गिराया था, सवार के सर पे कंकर गिरता, सर से जिस्म से चीरता हुआ हाथी के बदन को छेदता हुआ जमीन में घुसता गया। कैसे कर दिया उसने? कास्फी माकूल, जैसे खाई हुई खेती है। तो जैसे खाई हुई खेती नहीं होती है, उस वक्त हम आपको गुफ्तगू करके कुछ समझा रहे हैं। खाई हुई खेती में कुछ हम खाद डाल रहे हैं, कुछ पानी डाल रहे हैं, हाँ कुछ कोशिश कर दें, ये हमने कोशिश करी है। मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हूँ मुझे पता नहीं है, उसे आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब तक आप माशाल्लाह बैठे रहे हैं, मुझे इस पर फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कुर्सियाँ खाली। मैं पाँच पाँच आदमियों के बीच में एक एक घंटा तकरीर कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ, अभी दो चार महीना पहले साढ़े तीन औरतें थीं, चार साढ़े चार औरतें यानी चार औरत और एक बच्ची तीन चार साल की, दो मर्द और एक या दो मौलाना थे, एक डेढ़ घंटा तकरीर करके उनके बीच में। इस तरह से कई जगहों पे होता है, तो हम पांच आदमी भी तकरीर कर लेते हैं और दस दस लाख में भी करते हैं तकरीर, हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कुल मिला करके ये है कि जितना अल्लाह मुझसे कहलवाना चाहता उतना हम कह देते हैं। कितना आप कैश करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मैं अदब के साथ माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, आप भी नमाजें पढ़ा करें, सिर्फ मर्दों पे नमाज फर्ज नहीं है, ठीक है ना, आप पर भी नमाज फर्ज है। बच्चों को और बच्चियों को नमाज की तलकीन किया करो। जिस कौम के बच्चे मस्जिदों से गायब रहते हैं ना, समझ जाओ उस कौम का मुस्तकबिल अंधेर नगरी चौपट राज वाला हिसाब है। मर्दों जब बच्चों नमाज पढ़ने जाया करो ना, तो अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेके जाया करो मस्जिद में। आका फरमाते हैं सात साल का बच्चा हो जाए तो उसकी नमाज की आदत डालो, बापो अपने बेटों को मस्जिद में लेके जाया करो, अपने साथ खड़ा किया करो। ऐसा नहीं है कि अगर सात साल का बच्चा पहली सेफ में खड़ा हो जाए तो आपकी नमाज नहीं होगी। हमने देखा है अगर पहली सेफ में कोई बच्चा खड़ा हो गया है, अब बाद में कोई बड़ा आता है ना तो क्या करता है, उसको पकड़ता कंधे से और पीछे खड़े दूसरी सब में डाल देता है। जब दूसरी सब भर जाती है तो फिर कोई पीछे तो उसको तीसरी में घसीट कर देता है। ये हमारे अब्बा का घर नहीं है, अल्लाह का घर है, समझ रहे हैं। जो जहां खड़ा हो गया है ना, उस बच्चे को सरकाने की कोई इजाजत तुम्हें नहीं है। तुम चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे पीर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, ये अल्लाह का घर है, हमारे और हमारे बाप का घर नहीं है। अल्लाह घर में सबको नमाज पढ़ने की इजाजत है, जो बच्चे हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, नमाज पढ़ने उनको पढ़ने दो। तुम्हें आगे आना तो तुम पहले आते, आप क्यों आकर के बच्चे को हटा रहे हो? बच्चा क्या सोचेगा यार हमारी इज्जत नहीं अल्लाह घर में? तो बचपन से अगर हम बच्चों के जहन पर ये खप्त सवार कर दें और खुदा के घर से उसे यूं दूर कर दें, यार हमारी इज्जत खुदा के घर में भी नहीं, लोग धक्का मार के हमको पीछे सब में कर दिया, तो क्या नमाजी बनेगा बच्चा? नहीं बनेगा। तो सात साल का बच्चा हो जाए तो नमाज सिखाइए, दस साल का बच्चा हो जाए नमाज ना पढ़े तो डंडा मार के नमाज पढ़ाइए। और माओ बहनों अपने बच्चियों को भी नमाज पढ़ने की आदत डालो। हाँ बस ये इख्तितामिया है, दो तीन मिनट के अंदर। हो सकता है बच्चे शोर मचाते हैं मस्जिद में, हम भी जानते हैं, हम कौन से फरिश्ते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम भी यही बदतमीजी करते थे, आप बच्चे रहे होंगे आप भी यही करते थे भाई। माँ के पेट से तो गौस पाक वली पैदा हुए थे, हम थोड़ी वली हैं यार, बख्तियार काकी वली पैदा हुए थे, हम थोड़ी वली हैं है? अच्छा माशाल्लाह, देखिए अल्लाह सलामत रखे। अजान अब आपसे गुजारिश है, नमाज पढ़ के जाइएगा,
अरे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, देख रहे हैं कितनी ढीठ क्वालिटी के हैं आप, पढ़े कितनी ढीठ क्वालिटी की हमारी सुननी है, बस सुन होता सुननी हमारा। फिर ये हमारे गला फाड़ने से कोई मतलब नहीं, चीख के चिल्ला के हम चले जाएंगे। इतना जरूर है ये कुर्सियां, ये खंबे, ये दीवार, यहाँ की घासें, ये सब अल्लाह के दरबार में गवाही देंगी, अल्लाह शमसुद्दीन ने, मौलाना शमसाद ने, फला फला ने, सब ने इनको समझाया, इनने एक की नहीं सुनी, सुनी जरूर अमल नहीं किया। तो हम भी पहुंच जाएंगे वहां, हाँ मेरे अल्लाह हमने कहा था। फिर जानते हो ये मरम्मत शुरू होगी ना तुम्हारी, इतने मारे जाओगे ना इतने कि छठी का दूध याद आएगा तुम्हारे को। हाँ अल्लाह का मुअज्जिन पुकार रहा, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद, जब तुम नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते तो मस्जिद तुम्हारा बाप बचाएगा? हाँ हाँ, बस कह दीजिए मजार हो चाहे ना हो, फर्जी वर्जी हो, बस चादर पहुंचाना है, चादर चढ़ाना है, फातिहा कराना है, धूमधाम करना है। हाँ, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने चादर चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने फातिहा दिलाई थी कि नहीं दिलाई थी, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम गरीब नवाज के यहाँ गए थे कि नहीं गए थे, गौस पाक के यहाँ गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन ये ज़रूर पूछेगा रोज़े महशर के जाग उदास बुअत अव्वलीन पुरुष से नमाज बुअत, सबसे पहले अल्लाह नमाज के बारे में पूछेगा जिसके लिए मुअज्जिन पुकार रहा है हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह तौफीक बख्शे, अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए कि नमाजें आप पढ़ें। माओ बहनों आप भी नमाज पढ़ें, बच्चों को तलकीन करें, आप भी नमाज पढ़िए और तौबा कीजिए। पता नहीं है कि कब आपको अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक दूसरे